दोस्तों, आज हम बहुत ही आसान आटा चकली बनाने की विधि देखेंगे, जिससे हमारी चकली बहुत ही करारी बनेगी। तोड़ने के बाद आप देख सकते हो कि चकली अंदर से होलो है, मतलब हमारी चकली परफेक्ट बनी है। अगर इस तरह से चकली बनाओगे तो चकली बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी, क्योंकि हम आटा लगाने में तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो हमारी चकली बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान विधि से आटा चकली। आटा चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कॉटन का साफ झोला लिया है। आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो। झोले में मैंने 6 कप आटा लिया है। आटा हमें वही लेना है जिसकी हम चपाती बनाते हैं। आटे की टाइट पोटली बनाकर बांध देंगे और यहाँ हम कुकर में स्टैंड रखेंगे। 1 ग्लास जितना पानी भी डाल देंगे। छेद वाली डिश रखकर आटे की पोटली रखेंगे, ढक्कन लगा देंगे। अब 1 विसल होने तक पकाकर गैस बंद कर देंगे। मैंने यहाँ सिर्फ 1 विसल की है, क्योंकि मेरे घर में सबको एकदम कड़क चकली पसंद है। अगर आपको ज़्यादा कड़क चकली नहीं चाहिए तो आप 2 विसल ज़रूर करें। कुकर को ठंडा होने देंगे। यहाँ हम मिक्सी जार में 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी डालकर महीन पीस लेंगे। कुकर भी ठंडा हो गया है। पोटली निकालकर आटा निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कि आटा पूरी तरह से पत्थर की तरह हार्ड नहीं हुआ है और हमें ऐसा ही आटा चाहिए। ठंडा होने के बाद आटे को मिक्सी जार में डालेंगे और महीन पीस लेंगे। इसी तरह सारा आटा पीस लेंगे। पीसे हुए आटे में तैयार किया हुआ अदरक मिर्ची का पेस्ट, और यहाँ मैंने 6 नींबू का रस निकाल लिया था, वो भी डाल देंगे। 3 टेबलस्पून तिल और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मिर्ची की मात्रा आप अपने स्वादानुसार घटा या बढ़ा सकते हो। और नींबू डालने से चकली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पराठा जितना सख्त आटा लगा करके तैयार करेंगे। दो से तीन मिनट मसलेंगे। थोड़ा सा गूंथा हुआ आटा लेकर मसलेंगे, जिसे चकली बनाने की मशीन में डालकर चकली बना लेंगे। तो यहाँ हमारी सभी चकली बनकर के तैयार है। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। तेल चेक करने के लिए चकली का थोड़ा सा आटा डालकर देख लेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है। गर्म तेल में चकली डाल देंगे और चकली को अभी पलटना नहीं है। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हो कि चकली अपने आप ऊपर आ रही है। अभी भी हम चकली को नहीं पलटेंगे, क्योंकि इस वक्त चकली बहुत ही सॉफ्ट होती है, पलटेंगे तो टूट सकती है। जब लगे कि चकली थोड़ी सी हार्ड हो गई है, तब हम इसे पलटेंगे। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखते हुए हम चकली को तल लेंगे। इसी तरह घुमा घुमा कर तलेंगे तो चकली अंदर तक क्रिस्पी होगी।
दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि चकली का अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, मतलब हमारी चकली तैयार है। चकली को तेल से निकाल लेंगे और इसी तरह सभी चकली तल करके तैयार कर लेंगे। देखा ना दोस्तों, आटा चकली बनाना कितना आसान है। जब आप इस चकली को बनाकर खाओगे तब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। दोस्तों आपको मेरी बहुत ही क्रिस्पी करारी आटा चकली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।